दर्द तब नहीं होता जब कोई सच बोल दे, दर्द ज्यादा तब होता है जब कोई हमेशा झूठ में रखे और एक दिन सडनली सच बताए। और ये सच भी हमें तब सुनने को मिलता है जब हम एक दुनिया बना चुके होते हैं, किसी के साथ हमने सब कुछ सोच लिया, वो भी क्यों, क्योंकि सामने वाले ने हमें ऐसी दुनिया में रखा जहां पर हमें लगता था कि यही सच है, और बाद में हमें दिखता है कि नहीं, ये तो सब झूठ था। और अब हमें आगे की लाइफ अकेले बितानी है, अकेले मतलब उस शख्स के बिना जिसके हम सपने देखते थे। अब देखो, कोई आपकी फीलिंग के साथ खेल कर जाए और इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, उसकी एक बहुत पावरफुल स्टोरी मेरे पास है, बस आप ध्यान से सुनना। ये कहानी वाकई आपको समझाएगी कि कैसे अपने आप को हैंडल करना होता है, कैसे हमारी जीत होती है। अब एक लड़का और एक लड़की थे जिनका रिश्ता करीब 3-4 साल पुराना था। शुरू में सब बढ़िया था, उनका बॉन्ड काफी अच्छा था, एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते थे, और भाई प्रॉमिस तो इतने सारे थे कि क्या ही बताई जाए। पर लड़की जब भी कुछ शादी वगैरह का जिक्र करती तो ये लड़का ऐसे ही बातों बातों में टाल देता था। अब ये जरूरी नहीं कि लड़का ही हमेशा फीलिंग हर्ट करे, लड़की भी करती है। ये बात भी मैं जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको समझाऊंगा, बस स्किप मत करना। अब वो लड़का ऐसे ही टाल देता था तो यार एक दो बार ऐसा हुआ तो चलता है, पर सामने वाला तो हमेशा ही उसकी बातों को अनदेखा करता था। फिर एक दिन लड़की को सच में फाइनल डिसीजन लेना ही था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा था कि लड़का ज्यादा सीरियस नहीं है। उसने उसे बुलाया और सामने बैठाकर सारी बातें करने लगी। बोलती कि घर पर मैंने कुछ बताया नहीं और ना ही तुमने, और तुमसे कुछ बोलूं तो तुम हंसकर टाल देते हो, मुझे क्लियर बताओ बात क्या है। अब भाई लड़के ने सीधा बोला कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट है और शायद मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे। अब भाई जब तुम्हें पहले ही पता था कि करियर इंपॉर्टेंट है तो इतने टाइम से इसके साथ थे ही क्यों, और प्रॉमिस क्यों किए थे इतने। फिर ये लड़की तो काफी ज्यादा हर्ट हुई, काफी ज्यादा टूट गई। फिर हुआ ये कि ये लड़का तो निकल गया इसकी लाइफ से, और ये लड़की इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब ऐसे में कुछ ही चीजें दिमाग में आती है कि उसको बहुत सुनाया जाए, उसके आगे हाथ जोड़े जाएं या उसको गाली वगैरह दे दें। पर भाई सच बताऊं तो ये सब ना टेम्पररी चीजें होती है, यह आपको थोड़ी बहुत खुशी दे देगी, उसके बाद क्या करोगे, आपकी खुद की लाइफ का क्या होगा, खुद की जिंदगी के बारे में आपने कुछ सोचा भी है या नहीं। अब ये जो लड़का था उसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना था तो ये वही करने लगा, मगर लड़की अब चुप नहीं बैठ सकती थी, उसे भी अपनी लाइफ को सेट करना था। पहले तो जो भी सोचा था सिर्फ उसी के साथ सोचा था, मगर अब सब कुछ खुद हैंडल करना था, तो उसने शेफ बनने की सोची और न्यू डिश बनानी स्टार्ट की, कुछ रियलिटी शो में हिस्सा भी लिया और अपनी ही सिटी में एक रेस्टोरेंट ओपन किया। अब भाई इसके हाथ के टेस्ट के बंदे बहुत ज्यादा दीवाने हो गए, आजकल तो फूड ब्लॉगर जगह जगह पहुंच ही जाते हैं, तो उन्होंने इसकी न्यू डिश ट्राई की और सबको पसंद आई और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, और भाई ये लड़की धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में वायरल हो गई। अब जब इतना नाम होने लगा तो पूरे इंडिया में इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी ओपन की और हर सिटी में बहुत सारे रेस्टोरेंट ओपन किए, सब जगह नाम फैलने लगा और अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर दिया। अब जिस होटल में वो लड़का काम कर रहा था उसी होटल में एक दिन इस लड़की को बुलाया गया और वहां का फूड टेस्ट करवाया और उसकी मार्केटिंग इसके थ्रू करवाई, और वहां वो लड़का इसकी तरफ देखकर आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। तो ये कोई फिल्मी कहानी तो नहीं लगती कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने ऐसे कितने एग्जाम्पल देखे हैं जो जीरो से शुरू हुए और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से। अब भाई बहुत सारी जगह लड़कियां भी ये सब करती है, बहुत सारी लड़कियों को भी सिर्फ अभी पैसे चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, तो वो लड़कों को पास रखती है, देन जब लगेगा कि बंदा सीरियस हो रहा है तो बस उसे साइड कर दिया। ऐसा एक केस नहीं है, हजारों केस हैं। हम किसी को जज नहीं कर सकते कि लड़का ही ऐसा होगा या सिर्फ लड़कियां ही, आपको फेस रीडिंग करनी चाहिए, उन्हें जानना चाहिए, उनकी बातों को देखना चाहिए, वो किस बात को इग्नोर कर रहे हैं, किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन्हीं की बातों से उन्हें पकड़ने की कोशिश करो। और भाई अगर कोई आपको बहुत हर्ट करके गया तो प्लीज इस बात को एक्सेप्ट करो कि वो शख्स आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, और अगर जीतना है ना अपनी जिंदगी में तो कुछ अचीव करके जीतो। जो कोई आपको करियर के लिए छोड़ रहा है उसको ये दिखाओ कि आपका भी करियर है। अब ऐसा नहीं है कि करियर इंपोर्टेंट नहीं होता, बिल्कुल होता है यार, पर करियर वाले बंदे ये बात बहुत पहले से ही बता कर चलते हैं कि मुझे सिर्फ मेरा काम चाहिए। वो ये छुपाते नहीं कि आज से पहले करियर का नाम तक नहीं लिया और आज सडनली करियर सामने आ गया। कई बार मजबूरी सामने आ जाती है कि हमें लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, बस इतना टाइम लगेगा, पर उतने टाइम में हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, तो यहाँ तो मजबूरी वाला केस हो गया कि लड़की को भी या लड़के को भी ये दिख रहा है कि सामने वाला अभी कुछ नहीं कर पा रहा, तो जाहिर है उसे टाइम देना जरूरी है या फिर अलग होना जरूरी है ताकि एक नॉर्मल लाइफ दोनों जी सके। ऐसी जगह पर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है, मगर यहाँ भी ये बात पहले से ही सामने आई होती है कि बंदा करियर को लेकर सीरियस है। मैं बस आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ जो झूठ बोलते हैं, जो बातें छुपाते हैं या जो धोखा दे देते हैं।
उसके बाद खुद को संभालना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप आज की बात बिना किसी हेट के समझ पाएंगे। किसी जेंडर के लिए हेट मत फैलाओ, बस उन लोगों को टारगेट करो जो वाकई गलत है और अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाकर आगे बढ़ो। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही प्लीज मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।